बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो आज हमने एक बनाई है लड्डू पीठी। अम्मी जान, ये लड्डू पीठी जो है ये किस चीज़ की बनती है? ये चने की दाल की। अच्छा, तो इसमें इसमें मुझे सादी सी लग रही है, कोई खास मिर्चें और इस किस्म की चीज़ इसमें ये नहीं? बस इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और कुछ नहीं डालते। अच्छा, ये बाद में सारी चीजें डालेंगे। तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी लवाजमात है हमारे पास। यहाँ पर कद्दूकश की हुई, गाजर है, मूली है, इसके अलावा ये क्या है? ये ये दही है। हाँ रहता, जी, रहता है। और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है? ये हमने पुदीना धनिया पीस के डाला, वेरी हरी गुड। मिर्च, और ये एक चटनी भी मुझे नज़र आ रही है। ये इमली और आलू बुखारे की चटनी। वाह, तो ये हम ऊपर डालेंगे उसके। हैं जी, हाँ जी, तो चलें ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम जो है एक लेंगे पीठी चने की दाल की, ऐसे। फिर पीठी हम लड्डू, उसको थोड़ा सा इसको मैश कहते हैं करेंगे। पीठी लड्डू। वेरी गुड। फिर हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे यूं करके, ताकि फिर बाद में खाने में हमें आसानी हो। ठीक हो गया। हमें वैसे एक चम्मच की और ज़रूरत थी, तो एक और हम लेते हैं। और इसी तरह इसको भी हम मैश कर लेते हैं। और देखें कितनी क्रिस्पी बनी है यार, कमाल है, वाह, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। अच्छा, अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये हमारे पास कुछ ऊपर डालने के लिए गाजर है। कद्दूकस की हुई वेरी गुड। गाजर, और इसमें थोड़ी ये सी हम मूली, डालेंगे मूली। ये मूली भी कद्दूकस की हुई। मूली इसमें, ये दोनों चीज़ें सेपरेट हम इसलिए रखते हैं कि जैसे हसबे जायका या हसबे मंशा, जितनी खाने वाले को ज़रूरत है, वो मूली ज़्यादा पसंद करता है तो वो मूली डाल ले, अगर वो गाजर ज़्यादा पसंद करता है तो वो गाजर डाल ले। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमारा रायता बना हुआ है, दही और पुदीने का। ये हमारा इस थोड़ी सी हम और डाल देते हैं। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ये चटनी, इमली ये आलू बुखारे की चटनी। वाह, ये इमली आलू बुखारे की चटनी है। चने जी, क्या लुक आई है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मज़ा आ गया है। अभी तो खाने के बगैर, बेटा खाने के बगैर मज़ा आ गया, अभी खाएंगे तो फिर क्या मज़ा आएगा। हाय हाय हाय, वेरी गुड। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, और दुआ में याद रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।